अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है समाप्त करना, मीनिंग अचीव और कंप्लीट सक्सेसफुली, मतलब किसी चीज़ को अच्छी तरीके से ख़त्म करना या पूरा करना। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट आई होप यू अकम्प्लिश एवरीथिंग यू वॉन्ट, मुझे आशा है कि तुम वो सब कुछ हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। सेकेंड, ही वॉज हैप्पी एज ही वॉज एबल टू अकम्प्लिश एवरी टास्क, वो खुश था क्योंकि वो अपना कार्य ख़त्म करने में, कार्य पूरा करने में कामयाब रहा। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, मीनिंग अ स्ट्रॉन्ग विश। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट ही डिज़ायर्ड टू बी द बेस्ट डांसर, उसकी इच्छा थी या उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छा नृत्य कलाकार बन सके। सेकेंड, शी हैज़ अ डिज़ायर टू स्कोर 90% इन हर एग्जाम्स, उसकी इच्छा थी कि उसे 90% अपने एग्जाम में मिले। आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, मीनिंग रिजल्ट और द वे अ थिंग टर्न्स आउट। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एवरी वन वॉज वेटिंग टू हियर द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे इलेक्शन का परिणाम सुनने के लिए, इलेक्शन का नतीजा सुनने के लिए। सेकेंड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट योर डिज़ायरेबल आउटकम, मतलब अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। एम, एम का मतलब होता है लक्ष्य, मीनिंग गोल। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट हर एम वॉज टू विन द रेस, उसका लक्ष्य था कि वो रेस जीत जाए। सेकेंड, ही हैड एन एम टू बी द टॉपर ऑफ हिज क्लास, उसका लक्ष्य था कि वो अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स लाए। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन, मीनिंग नॉट ईजी और नीडिंग मच एफर्ट टू अकम्प्लिश। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब ये बहुत कठिन कार्य है। सेकेंड, दिस पर्सन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी विथ, मतलब ये इंसान के साथ रहना बहुत कठिन है। बच्चों, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो तस्वीर दी गई है, पहली में एक इंसान एक बड़े से बॉल को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वो कार्य कठिन है, और दूसरे चित्र में एक बच्चा जिसे बहुत कठिनाई हो रही है पढ़ाई करने में। एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, मीनिंग द यूज ऑफ फिजिकल और मेंटल एनर्जी टू डू समथिंग। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन मस्ट पुट इन एफर्ट टू अकम्प्लिश देयर गोल्स, मतलब एक इंसान को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। सेकेंड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड अ गुड बॉडी, मतलब एक इंसान को अच्छी बॉडी बनाने के लिए, अच्छा शरीर बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। बच्चों, जैसे कि आप सेकेंड वाले दूसरे चित्र में देख सकते हो
कि वो इंसान कितनी कोशिश कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है ताकि उसकी बॉडी, उसका शरीर अच्छा रहे। इजीली, इजीली का मतलब होता है सरलता, मीनिंग विदाउट डिफिकल्टी और एफर्ट। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट शी मेड दैट ड्रॉइंग इजीली, मतलब उसने वो चित्र बहुत आसानी से बना लिया। सेकंड, ही कैन कुक मैगी वेरी इजीली, मतलब वो मैगी को बड़ी आसानी से बना सकता है। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, मीनिंग टू से दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ और हैप्पी अबाउट समथिंग। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट द मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट हर सन टू हिज टीचर, मतलब माँ अपने बच्चे को लेके उसकी टीचर को शिकायत कर रही थी। सेकेंड, द लिटिल चाइल्ड केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट हिज ब्रोकन टॉय, मतलब छोटा बच्चा अपने खिलौनों को लेके, टूटे खिलौनों को लेके शिकायत कर रहा था। लेसन, लेसन का मतलब होता है सबक, मीनिंग समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू बी और शुड बी लर्न्ड। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट आई होप वी कैन लर्न सम लेसन्स फ्रॉम दिस डिजास्टर, मतलब मैं आशा करती हूँ कि हम इस भयंकर घटना से कुछ सबक सीखेंगे। सेकेंड, ही मस्ट बी टॉट अ लेसन फॉर हिज मिस्टेक्स, मतलब उसे उसकी गलतियों के लिए सबक सिखाना चाहिए। मॉरल, मॉरल का मतलब होता है शिक्षा, मीनिंग अ लेसन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इट्स अगेंस्ट माई मॉरल्स, मतलब ये मेरे शिक्षा के खिलाफ है। सेकेंड, द मॉरल ऑफ द लायन एंड द माउस स्टोरी इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, मतलब शेर और चूहे की जो कहानी थी उससे ये शिक्षा मिलती है कि दयालुता का कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चों, जैसे कि आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं कि जो शेर है वो एक जाल में फंस चुका है और चूहा उसकी मदद कर रहा है उस जाल को कतर के। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम, मीनिंग अ रूल और कोड ऑफ कंडक्ट। एग्जाम्पल, फर्स्ट शी एट एप्पल एवरी मॉर्निंग, इट वॉज हर प्रिंसिपल, मतलब वो रोज सुबह उठ के एक एप्पल खाती थी, वो उसका नियम था। सेकेंड, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट दोज हु वर्क हार्ड विल बी सक्सेसफुल, मतलब बेसिक नियम ये है कि जो अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, मीनिंग ब्रिंग टुगेदर। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट लेट्स प्ले कनेक्ट द डॉट्स, मतलब आओ हम डॉट्स को जोड़ने का खेल खेलें। सेकेंड, कनेक्ट द टू स्ट्रिंग्स टुगेदर, मतलब
दो डोरियों को साथ में जोड़ना। बच्चों, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल्स के चित्र नीचे दिए गए हैं। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि दो डोरियों को जोड़ा गया है और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि डॉट्स को जोड़ने का गेम खेला जा रहा है। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है रिश्ता। मीनिंग द वे इन विच टू और मोर पीपल और थिंग्स आर कनेक्टेड। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट मॉम ऑलवेज हैड अ गुड रिलेशनशिप विथ हर सिस्टर एंड ब्रदर। मतलब माँ के हमेशा से अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता था। सेकेंड, आई हैव गुड रिलेशनशिप विथ माई पेरेंट्स। मतलब मेरा अपने माँ बाप के साथ अच्छा रिश्ता है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर दैट मदर एंड डॉटर हैज सच गुड रिलेशनशिप एंड इन द सेकेंड पिक्चर इट शोज अ मूवी कॉल्ड बम बम बोले। इन दैट वी कैन सी अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है अमीर। मीनिंग हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट शी हैज अ बिग हाउस, शी मस्ट बी वेल्दी। मतलब उसका बहुत बड़ा घर है, वो जरूर अमीर होगी। सेकेंड, शी इज सो वेल्दी दैट शी हैज फोर कार्स। वो इतनी अमीर है कि उसके पास चार गाड़ियां हैं। प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। मीनिंग अ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेलिंग आवर हाउस। मतलब हम हमारे घर को बेचने की प्रक्रिया में हैं। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ लेटर इज लॉन्ग। मतलब खत को लिखने की प्रक्रिया लंबी है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि स्टेप्स कैसे दिए जाते हैं एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, एक प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमारे दांतों को घसने की एक प्रक्रिया होती है, स्टेप्स होते हैं। डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है तकदीर। मीनिंग द इवेंट्स दैट विल नेसेसरीली हैपन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट आर डेस्टिनी इज शेप्ड बाय आर एक्शंस। मतलब हमारी तकदीर का आकार हमारे कर्मों से होता है। सेकेंड, इट वॉज हिज डेस्टिनी टू बिकम अ डांसर। मतलब ये उसकी तकदीर थी कि वो एक डांसर बना।